हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हुआ हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार एक रेगिस्तान के किनारे पर एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो ऊंटों का व्यापार करता था और वो ऊंटों के बच्चों को खरीद कर उन्हें स्ट्रांग बनाकर बेचा करता था। इससे वो काफी प्रॉफिट बना लेता था। व्यापारी ऊंटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बच जाता था। उनमें से एक ऊंट का बच्चा बहुत शैतान था और इतना शैतान कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। उसकी हरकतें पूरे ग्रुप की चिंता का विषय बन गई थी और वो मोस्टली ग्रुप से दूर चलता था और इस कारण पीछे रह जाता था। अब बड़े ऊंट उसे समझाते थे पर वो किसी की नहीं सुनता था, इसीलिए उन सब ने उसकी परवाह करनी बंद कर दी। अब व्यापारी को उस छोटे ऊंट से बड़ी अटैचमेंट सी थी, तो उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी। अब जब भी वो सिर हिलाता तो उसकी घंटी बज जाती थी, जिससे उसकी चाल और सिचुएशन का पता चल जाता था कि वो कहां है। अब एक बार उस जंगल में एक शेर आ गया। जहां ऊंट चर रहे थे उस जगह पर शेर आ गया। अब उस शेर को ऊंट की घंटी से उनके होने का पता चल गया था। उसने फसल में से झांक कर देखा तो उसे पता चला कि ऊंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो ऊंटों पर हमला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे ऊंट थे जो उससे ज्यादा स्ट्रांग थे। अब इस कारण वो मौके की तलाश में था कि वहां छुप कर खड़ा होकर देखने लगा कि कैसे हमला करूं। अब ग्रुप के एक बड़े ऊंट को खतरे का आइडिया हो गया। उसने सारे ग्रुप को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को बोला। अब ऊंटों ने उस ग्रुप में एक मंडली सी बना ली और जंगल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब बड़े ऊंट ने खास करके छोटे ऊंट को सावधान किया था, कहीं वो कोई परेशानी खड़ी ना कर दे, पर छोटे ऊंट ने ध्यान नहीं दिया और वो लापरवाही से चलता रहा। अब छोटा ऊंट अपनी मस्ती में दूसरे ऊंटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उनको देखा तो वो उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा और वो अपने आप को उस शेर से नहीं बचा पाया। उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसने अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता और बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।